वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मेस्ट्रो। आज हमारा टॉपिक है क्रैक टूथ सिंड्रोम, जिसको हम वर्टिकल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि पेशेंट आता है कंप्लेन के साथ कि हल्का हल्का दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ चबाया तो बहुत तेज दर्द हुआ, या फिर ये कंप्लेन हो सकती है कि मैं कुछ खा रहा हूँ तो बीच में दांत हिल रहा है थोड़ा, या फिर कंप्लेन ये हो सकती है डायरेक्टली कि मेरा दांत फट गया है। यही सारी कंप्लेंट्स के सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो बेसिकली क्रैक टूथ सिंड्रोम होता क्या है, ये एक वर्टिकल रूट फ्रैक्चर होता है, जिसमें की जो हमारी फ्रैक्चर लाइन है वो हमारी क्राउन से लेकर रूट एपेक्स तक रन करती है। अब वो कितनी भी ज्यादा डीप हो सकती है, हो सकता है सिर्फ क्राउन फ्रैक्चर हुआ, या फिर रूट लेंथ फुल फ्रैक्चर हुई है, या फिर हाफ हुई है, ये हमें सब देखने के बाद पता चलेगा। कि लोग अपने स्टंट दिखाते हैं कि हमने मुंह से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोल दी, या फिर अखरोट तोड़ दिया, या फिर कोई बहुत हार्ड चीज़ है उसको हमने बाइट कर दिया, खोल दिया, ये सब चीज़ें। तो इसमें सबसे ज्यादा खतरा होता है हमारे दांत की फटने का, जिसे हम बोल रहे हैं वर्टिकल फ्रैक्चर। तो इसकी कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो अभी मैंने बताया कि कोई भी हम एक्स्ट्रा हार्ड चीजें जो कि हमारा दांत उतना लोड नहीं ले, उसकी वजह से भी हमारा दांत फट जाता है, या फिर हमने किसी दांत की आरसीटी कराई हुई है, एंडोडोंटिकली ट्रीट करवाया है, और उसके बाद हमने कैप नहीं छड़वाया, वो ऑलरेडी दांत वीक हो गया है, लेकिन हमने क्या किया उसके ऊपर हार्ड बाइट दे दी, उसकी वजह से भी दांत फट जाता है। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब हमारा कोई भी टूथ है, वाइटल हो या नॉन वाइटल, उसमें हम डॉवल डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पोस्ट एंड कोर बोलते हैं उसको, तो वो हमने इतने ज्यादा प्रेशर से कर दिया कि वो हमारा जो रूट है वो फ्रैक्चर हो गई, मतलब दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, तो उसको भी हम कंडीशन में ले सकते हैं कि इसकी वजह से भी बहुत बार वर्टिकल फ्रैक्चर हो जाता है। इसके क्या हो सकते हैं, कोई भी पेशेंट क्लिनिक पे आया तो उसने हमें क्या क्या बताया या फिर हमने क्या देखा, वो सब चीजें मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट कॉमनली जो है मैंडिबुलर मोलर्स देखने को मिलते हैं जिनमें वर्टिकल फ्रैक्चर होता है, या फिर कोई भी फेल्ड आरसीटी का केस है, या फिर ट्रीटेड केस है, ट्रीटेड मतलब एंडोडोंटिकली ट्रीटेड, जिसमें आरसीटी हो रखी है, मतलब या तो इनकम्प्लीट है या कम्प्लीट है, दोनों ही केसेस में हमें फ्रैक्चर टूथ बहुत कॉमनली मिलता है। और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे हल्का हल्का मतलब दर्द हो रहा है, मतलब बहुत तेज भी नहीं है लेकिन हल्का हल्का, लेकिन जब मैंने कुछ चबाया तो मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। ये तो रहा कि पेशेंट ने हमें बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, अब हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले क्लिनिकली हम उसको देखेंगे प्रोब से कि कोई, जैसे हम बहुत सारी उसको लाइंस को फ्रैक्चर लाइन को मिसरीड कर देते हैं कि वो डीप फिशर्स होते हैं, या फिर बहुत सारी टोबैको च्यूइंग और सुपारी च्यूइंग की वजह से भी एक्स्ट्रा फोर्सेस लगते हैं तो दांत फट जाता है, तो हम प्रोब से पहले देखेंगे, चेक करेंगे, यदि हमें उससे भी नहीं पता चल रहा है कोई फ्रेगमेंट जो है हमारे जो फ्रैक्चर सेगमेंट्स है वो अलग नहीं हो रहे, सेपरेट नहीं हो रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी डाई आती है उससे चेक करेंगे, डाई डाल देंगे उस पर, यदि वो एब्जॉर्ब हो गई और वहाँ लाइन क्रिएट हो गई दैट मीन्स कि वो फ्रैक्चर लाइन है, उससे भी नहीं पता लग रहा, या फिर हमारे पास डाई जो है वो अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइट की ओर में हम लाइट यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक लाइट जो होती है उसको हम डालेंगे, तो उससे भी फ्रैक्चर लाइन अच्छे से विजुलाइज हो जाती है, तो इससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये फ्रैक्चर लाइन है। और जब हम पेशेंट के पेन को रिलीव करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि इसमें आरसीटी की ज़रूरत है, या मतलब जो भी हमने ट्रीटमेंट बताया, जब भी हम इसकी आरसीटी स्टार्ट करेंगे तो इसमें पल्स जो है नेक्रोज्ड हो जाएगा, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, हो सकता है नहीं भी मिले क्योंकि फ्रेश थोड़ा सा ही फ्रैक्चर हुआ तभी पेशेंट आ गया, तो उस टाइम पे टूथ वाइटल हो सकता है, लेकिन जनरली मैं मोस्ट कॉमन की बात कर रही हूँ तो उसमें पल्प जो है वो नेक्रोज्ड हो जाता है। रेडियोग्राफिकली हम जब इसका एक्सरे लेंगे तो हमें देखने को मिलेगी कि वहाँ रेडियोलुसेंट लाइन दिख रही है, पेरियोपाइकल एब्सेस भी बन सकती है, और वहाँ पर पीडियल वाइडनिंग जरूर देखने को मिलेगी, तो ये सारे फीचर्स हो गए कि हमें रेडियोग्राफिकली ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, आइडियली तो क्या है कि हमें क्या दांत फट गया, हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो इसको हमें रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन इसको बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसको सेव करेंगे और फुल क्राउन रेस्टोरेशन सजेस्ट करेंगे, और भी हमें लगता है कि जो हमने रूट को सेव किया है उसमें इतनी दम नहीं है, वो लोड नहीं ले पाएगी, आगे ज़्यादा फर्दर नहीं चल पाएगी, तो हम एडजेसेंट टूथ को भी साथ में क्राउन के मिलाकर दो दांतों का क्राउन बना सकते हैं, और ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अब बात आती है मैनेजमेंट की,
सबसे पहला तो यही है कि हमें यदि दिखता है कि इस ट्रुथ को हम नहीं बचा सकते हैं, इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो हमें एक्सट्रैक्शन करना चाहिए, लेकिन स्टिल हमें ट्राई करना चाहिए। डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन इज द लास्ट ऑप्शन, उससे पहले हमें अपना सारा बेस्ट ट्राई करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हमने देखा कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो सिर्फ इनेमल और डेंटिन तक ही है, तो हम जो जो भी मोबाइल सेगमेंट है उसको निकाल देंगे, बाकी के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करेंगे। यदि आरसीटी की जरूरत है तो आरसीटी करेंगे और फुल क्राउन एडवाइस करेंगे ताकि उसको अच्छे से स्ट्रेंथ मिल पाए और उसकी लाइफ बढ़ जाए। लेकिन स्टिल हमें लगता है कि हाँ, जो सिर्फ सेपरेटेड रूट जो बची है, हमने जिसको सेव किया है, उसमें इतनी दम नहीं है, आगे वो नहीं चल पाएगी, तो हम क्या करेंगे, एडजेसेंट टूथ को साथ में लेकर क्राउन बना देंगे ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या पेशेंट को नहीं पता, पेशेंट तो सिर्फ आपके पास डिसीज लेकर आता है, हमें तो उसको क्योर करना है, तो हमें उसको बेस्ट सोल्यूशन देने हैं सो दैट कि वो आगे तक अच्छे से उस टूथ को यूज कर पाए और अच्छे से उसको एंजॉय कर पाए। आई गेस आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि वर्टिकल फ्रैक्चर हो गया है, दांत फट गया है, तो उसको हमें कैसे बचा सकते हैं।